गिनीज बुक में देखो, मैं आपको बताते चलूं कि गिनीज बुक के अंदर 18 दिन का रिकॉर्ड है। 20 दिन पटना में रहने वाले निराहारी बाबा की जो पहचान रही ऑन द डॉक्टर के रिकॉर्ड में रही है, सीसीटीवी फुटेज में रही है, फिर भी डीआरडीओ ध्यान नहीं दे रहा, रक्षा मंत्रालय ध्यान नहीं दे रहा, ऐसी शक्तियों का उपयोग। अभी दोस्तों मैं हूं दीनानाथ, आप देख रहे हैं जनसंसद में। मैं आपको बता दूं कि साइनाइड पे चैलेंज करने वाले निराहारी बाबा राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा जो दिल्ली में लगभग 7 महीनों से हैं, और उन्होंने डीआरडीओ में, पीएमओ में, माननीय अमित शाह को यानी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में अपना ज्ञापन दिया। क्या है उनके पास वो वस्तु, वो तत्व जिससे ये जहर को भी देते हैं चैलेंज, जबकि साइनाइड पे पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, उसका स्वाद भी नहीं बता पाई, लेकिन जहर खा के पचा लेने वाले लगातार साढ़े पाँच बरसों से जो आदमी जल तक नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, फिर भी आता है मूत्राशय। तो आइए हम जानें कि क्या कुछ कहते हैं स्वयं निराहारी बाबा। बाबा जी, जय महाकाल जी, बोलिए, सब ठीक हूँ। आपको इतना कैसे हो पाता है ये? मैं पहले बच्चे से ही पंचतत्व को मानते थे, मतलब सूर्य से पृथ्वी छुट्टी है तो सब सूर्य और हवा की खेल होती है, तो मेरी शरीर में बच्चे से ही तरंग आती थी, तो मैंने ये शरीर करीब 12-15 साल के पहले ये शरीर मैंने महाकाल को, भारत के उज्जैन महाकाल को अर्पित किया था कि वहाँ मेरी शरीर भस्म हो, 70 में मरना, 80 साल सर, में मेरा मरना। सवाल आपसे एक है कि आप जो है कि कोई जल नहीं पीते, जल, कोई खाना नहीं खाते, खाना जल अन्न कुछ नहीं लेते, फिर भी आप इतने तंदुरुस्त हो, आप किसी को फाइट मार दो, अरे साहब हमको मत मारो, ऐसा करने से गिर जाएंगे। ताकत कहाँ से आती है? बिना खाए पिए आदमी कैसे चलते हैं? सुनिए, ताकत कहाँ से आती है? पेशाब कहाँ से बहती है? तो सूर्य को किरण को खुली आँख से ऐसे सूर्य को लेता हूँ पूरी इतने दिन, तो बहुत सारे खूबियों, मतलब कि जितने भी गोली औषधियाँ पॉइजन की तरह, पॉइजन खाने से कुछ नहीं, तो मेरे को सरकार अलाउड करे साइनाइड को। तो मैंने नेपाल में भी 20 दिन निराहार बैठ के अनुसंधान करने के लिए बोले, वहाँ की सरकार ने असमचता देखा के। देखो, मैंने आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने 20 दिन लगातार पटना के अंदर इनका डॉक्टरी जांच हुआ है, 20 दिन सीसीटीवी फुटेज कैमरा में रहे हैं, और अजय झा जो पत्रकार थे पटना से, उन्होंने दावा किया कि 2 अगस्त से इनकी मेरी मुलाकात है, और इन्होंने कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल स्नान करते हैं, वो भी 80% ज्वलंत पानी से, फिर भी इनको कुछ नहीं होता। गुरुजी, हाँ, तो मेरी शक्ति कहाँ से आती है? ये मतलब कि ये शरीर मेरे को, मैं जब 6 दिन की थे तो मैं पैदा हुई, 6 दिन की दिन मेरे माँ बता रही थी, कोई भगवान दिखाई दे प्रत्यक्ष से, तो ये बेटा क्या होगा, पीछे कैसे बनेगा, तो ऐसे हम तो दंत कथा की जैसे लगते थे। तो मैं बच्चे से ही शक्ति पे थे, मुझे तो दर्द होता था, दुनिया भर की तरंगे होती थी, इतने औषधि किए, 42-43 साल मेरे को दुख हुआ, तो ये शरीर अवतार के स्वरूप में ये अब निकाल दिए, शरीर दूसरा हो गया। ये मतलब मानिए कि जब मेरे शरीर से कम 5 kg करीब अंदर की अंग लेट्रिन से निकल गए, तो दूसरा बन गए ये 3 साल से। तो मैं 5 साल से ही कुछ नहीं लेते, मैं मीडिया में आए, अभी 18 महीने हुए बिना जल अन्न खाए, तो मैंने नेपाल सरकार को लिख के दिए, तो वो असमर्थता जना के हमको चिट्ठी दे दिए। तो राजदूतावास में आए, तो मैं डीआरडीओ में गए, अब चुनरी वाला बाबा जो थे भारत में अन्न पानी नहीं खा के, उनकी डीआरडीओ ने रिसर्च किए, जो डीआरडीओ में रिसर्च करने वाले एक भाई हैं वहाँ पर, वो देवेंद्र जी को सब चीज़ दे दिए हैं, तो अनुसंधान निर्देशक तक हमारे डॉक्यूमेंट पहुँच चुकी है डीआरडीओ। आपने इनका डीआरडीओ तक पहुँच चुका है, लेकिन सब मामला ये है कि जो रक्षा मंत्री मामला है कि रक्षा मंत्री अगर चाहेंगे तो ऐसी शक्तियों का उपयोग करके देश को कुछ फायदा हो सकता है, सेनाओं को फायदा हो सकता है। देखिए, मैं बता दूं, अब मेरे को कल नेपाल भारत नहीं बोलता हूं मैं, ये भारतवर्ष है, वहाँ कामा कन्याकुमारी से नेपाल की उत्तर तक पहले ये शक्ति की पेट है, ये मतलब शिव शक्ति, शिव का हब है दुनिया में, ये भारत और नेपाल एक ही ऐसी जमीन है जो इसमें मेरी पैदा हुई, तो मेरे प्रमाणित भारत सरकार कर दे, तो मेरे निराहारीबाबा.com NIHARI निराहारीबाबा.com NAHIRA निराहारीबाबा
.com में मैंने पटना में बैठी हुई, मेरे को वहाँ के उप प्रधानमंत्री सभामुख सब ने सम्मानित किए हैं। नेपाल में भी बड़े विद्वानों सारों से मैंने, मैं यूनिवर्सिटी की फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, तो आप लोग प्रधानमंत्री सरकार को बोलो कि मेरे अनुसंधान करके भारत सरकार से सहमति करें, दोनों देश की शरीर है, ये मैंने शरीर अर्पण महाकाल को किए, तो पैदा नेपाल में हुए हैं, ये दोनों देश की शक्ति को मिलाकर उजागर करें। कल भारत सरकार बिना खाए पिए औषधि भी नहीं चाहने वाले को चंद्रमा में मंगल ग्रह में भेजने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, कोई आदमी है नहीं वर्ल्ड में, मतलब कि पॉइजन खाने वाले कोई गुरु, कोई अगोरी, कोई महात्मा कोई आए मेरे सामने तो करें। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सत्य युग में ये शरीर चले गए, मेरे शरीर, मैं मानता हूँ सत्य, सत्य का मतलब सूर्य हवा, आपकी एक कर्म भी हवा और सत्य देखते थे। मैं कभी छित जल पावक गगन समीरा पंचोरचो यह अधम शरीरा, उसको उजागर करने वाले इकलौता नेपाली निवासी राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा का चैलेंज है साइनाइट पे। देखते रहिएगा जनसंसद, अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। देखना तो ये बात है कि क्या भारत सरकार भी ऐसे भक्तों का कुछ प्रयोग करके देश के हित में वह तत्व उजागर कर पाएगा कि नहीं।